दिल्ली एम्स में बड़ी लापरवाही, सर्वर हो गया हैक, कहीं हड़कंप कहीं परेशानी, बार बार अव्यवस्था की एक ही कहानी, डाटा लीक होने का डर, जांच जारी। दिल्ली का एम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नाम तो आपने सुना ही होगा। कई बड़े बड़े नेता और शख्सियतें यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जितना इस अस्पताल का नाम है ये शायद अंदर खाने से उतना ही बदनाम है। कभी कर्मचारियों की हड़ताल तो कभी लाचार व्यवस्था, और अब सर्वर भी हैक हो गया। जी हाँ, दरअसल दिल्ली एम्स का सर्वर पिछले 9 घंटे के लिए हैक हो गया था। सूत्रों की माने तो इससे यहाँ का कामकाज बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। अब जब मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया और एम्स प्रशासन ने संबंधित विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी। वह इस बारे में साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं, किसी संस्था का सर्वर हैक करने पर हैकर उसका डाटा या उसके रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सकता है। इससे मरीज के डाटा में भी भेद किया जा सकता है, किसी की पर्सनल जानकारी को भी लीक किया जा सकता है। मृतक के शव की अदला बदली भी इसमें शामिल है। अब आपको समझाते हैं कि किसी अन्य अस्पताल में अगर ये मुसीबत खड़ी होती है और उसकी तुलना में एम्स पर इसका क्या असर होगा। दरअसल एम्स में आए दिन किसी न किसी बड़ी बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च होती रहती है। ऐसे में यहाँ का डाटा चोरी होने या उसमें छेड़छाड़ होने से डाटा लीक हो सकता है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो शिकायत के आधार पर साइबर टीम जांच में जुट गई है। एम्स प्रशासन इस मामले में विशेषज्ञों की मदद ले रहा है। यहाँ मरीजों के तीमारदारों के मन में भी संकोच और गुस्सा है, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में हर दिन कोई न कोई परेशानी अब सब्र का इम्तिहान ले रही है। द कंटाप न्यूज की रिपोर्ट।